Hey guys, welcome back to the channel with a new vlog on a new day and the new energy to start the day. देखो दिन की शुरुआत होती है, लेकिन आज मैं इस अपने व्लॉग में कोई भी दिन की बात बताने नहीं जा रहा हूँ आप लोगों से. क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो तो बाकी व्लॉग्स में आपको पता चल ही रहा होगा. बट आज एक्सेंचर की तरफ से कुछ एक आया है पार्सल DTDCC की तरफ से. मैं तो था नहीं, बिकॉज आपको पता होगा मेरे शॉर्ट्स देख के या फिर स्टोरीज देख के इंस्टाग्राम पे कि मैं बिजी था किस चीज़ के लिए, ट्रैवल कर रहा था. तो जब मैं घर आया तो ये ऑलरेडी पार्सल मेरे घर में लाइक मेरे पड़ोस में रिसीव कर चुके थे. तो आज उसका अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं उसके अंदर है क्या. वैसे मुझे एक हिंट है, बिकॉज मैंने एक चीज़ के लिए फिलअप किया था अपना एड्रेस, तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज़ होगा. बट आई एम नॉट श्योर कि वो चीज़ है या क्या चीज़ है. तो उसका अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है उसके अंदर. सो ये आ चुका है हमारा जो भी बॉक्स है, कोई एक पार्सल कुरियर से होके आया है, लाइक डिफरेंट पार्सल DTDC से आया है ये. एंड इसको मैं अभी ओपन करता हूँ. ये नाइफ नॉर्मल नाइफ नहीं है, ये बहुत ही ब्लंट वाला है. देखो कुछ नहीं होता इससे, ये घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसी से मैं कट करने जा रहा हूँ इसको. ये तो पहले से ही कट हुआ है इधर से, इसे डन. ये एक मेन चीज है ये. मुझे पता है बचपन में हम लोग इसको बहुत लाइक मज़ा आता था ऐसे करने में, अभी भी मज़ा आता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बबल रैप को ना पहले निकल के इसको फोड़ते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होता है, उसके बाद हम आगे का काम करते हैं. चलो अब इसको खोलते हैं, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, फटाफट से इसको अनपैक करके देखते हैं इसमें है क्या. मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि इसके अंदर हमारा जो ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग जिसमें होता है उसका सर्टिफिकेट है. कैसा है क्या है कोई आइडिया नहीं है. सो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर कैसी चीज़ है. मतलब नॉर्मल सर्टिफिकेट तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज थोड़ी बहुत वेट लग रही है एंड आई हैव नो क्लू कैसे दिखती है. सो नाइस, ठीक है. ओके इसको हटाओ. ओके सो इसको भी हटाते हैं यार. अब देखो, बापरे इसमें भी बबल रैप होके आया हुआ है. इसको भी, इसको लाइक ये रैप को हटाता हूँ मैं, लाइक कंप्लीट प्रोटेक्शन में. ओ अरे ये क्या, रखने के लिए टांगने के लिए, जिसको जैसे टांगना है इसको पूरा फ्रेम करके दिया गया है इसको. आई मीन आप भी ये देख सकते हो, यहाँ पे एक हिंज है, इसको लगा के टांग सकते हो, इसको टांग सकते हो, ये वाला ऐसे है. तो आप इसको स्टैंड करके भी रख सकते हो कहीं पर, बाकी ऐसे लगा के कुछ तो फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ द सर्टिफिकेट, शायद मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ. पंडा कॉम्प्लिकेशन सक्सेस कॉम्प्लिकेशन. अच्छा, जब आपको पता होगा कि मैंने जब गया था बैंगलोर पहले, जिस रीज़न के लिए हमें बुलाया गया था, तब था हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड था ना, तो फॉर दैट रीज़न ये वो ट्रेनिंग कम्प्लीशन का सर्टिफिकेट है. लाइक सक्सेसफुली अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये आपको मिल जाएगा. अभी मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन पहले इसके रिलेटेड भी मेरे को एड्रेस पूछा गया था, तो मैंने इस घर का एड्रेस दिया था. एंड जब ये आया तो मेरे दोस्त ने एक बताया कि यार सर्टिफिकेट आया होगा, मुझे नहीं पता था ऐसा अच्छे से फ्रेम होके पूरा अच्छे से आएगा. आपको अगर पॉज करके कुछ पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो. एंड नाउ पैकिंग तो डन है, निकलते हैं बैंगलोर के लिए कल, इसलिए मैं इसको अनपैक कर दिया, बिकॉज मेरे को वहाँ पे लेके नहीं जाना था, इसका कोई यूज़ नहीं, इसको घर में ही तो रहना है. अगर अगर आपको ये पढ़ना है ना, आप इसको देख के थोड़ा बहुत देख सकते हो कैसे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी ऐसे ही है. बट ये तो चलो खैर छोड़ो, सबको है मिला हुआ है. अगर मुझे पूछोगे तो मुझे क्या चाहिए यार, तो ये जो एक्सपीरियंस हुआ ना अनबॉक्सिंग का, थोड़ा अगर व्यूज़ चलो मैं भी कंसिस्टेंट बनता हूँ, मतलब कंसिस्टेंट तो था, बट बीच में आपको ये सारी, ये जो व्लॉग आप देख रहे हो अभी, इस व्लॉग के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने दिनों से क्यों गैप लिया था, क्या हो रहा था, क्या अच्छा, बिकॉज वो जो चीज़ है ना, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है आप डायरेक्टली जो चीज़ें आपके साथ चल रही है आप उसको पोस्ट नहीं करते, आपको थोड़ी टाइम लगता है उसको पब्लिकली सबके सामने लाने के लिए. फॉर दैट रीज़न कुछ चीज़ें होती है, आप अगर फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखाने हैं तो वो सारी चीज़ें सबको पूछ पूछ के दिखाना पड़ता है, बिकॉज यू नो हज़ार ही चीज़ें होती हैं. एंड ये इंटरनेट का जमाना है, वही बोल रहा था कि अगर मैं थोड़ा कंसिस्टेंट और बन जाता हूँ, आप थोड़ी मेहरबानी करके थोड़ी व्यूज़ बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, एंड उस हिसाब से हमें भी थोड़ा बहुत प्ले बटन चाहिए यूट्यूब की तरफ से. और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, तो इस ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ. आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. इस व्लॉग में दिखाने लायक ऐसा कुछ था नहीं, बट या दिस वाज द कंप्लीट अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट. आई वांटेड टू कनेक्ट टू यू पीपल ओवर अ वीडियो, इसलिए मैंने देखा कि यह सर्टिफिकेट आया, इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि एक्सेंचर की तरफ से मेरे को एक क्या चीज़ आई थी. अब चलो छोड़ो व्लॉग में, बाकी बताएंगे अगले व्लॉग में, मिलते हैं अगले व्लॉग में. बाय, टेक केयर. यार अभी 4 महीने बाद फिर घर आएंगे, बहुत इरिटेटिंग चीज़ है. चलो मिलते हैं एक और व्लॉग में, बाय.